ट्रे वी विल डिस्कस अबाउट मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है ये तीन जो मेंडल के लॉज है ना इनका अभी तक जितनी हमने क्रॉसेस स्टडी की ठीक है कि मोनोहाइब्रिड है चाहे डाई हाइब्रिड है वो जो क्रोसेस में हम यूज कर रहे हैं प्रोसेस प्रोसीजर यूज कर रहे हैं दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द मेंडल्स लॉ और मेंडल ने तीन लॉज कंक्लूड किए जितने उसने एक्सपेरिमेंट्स किए ये उन एक्सपेरिमेंट्स का ही परिणाम है कि उसके पास ये तीन लॉज आए दैट इज़ कौन कौन से लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉटमेंट नाम से ही क्लियर हो जाएंगी आपको चीजें देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस डोमिनेंस का मतलब क्या है देखिए दो तरह के जीन्स होते हैं आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव या तो खुद को एक्सप्रेस करेंगे रिसेसिव होंगे जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में खुद को एक्सप्रेस नहीं करेंगे ठीक है ना तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है कि सिर्फ डोमिनेंट ही खुद को एक्सप्रेस करता है Usually, अगर डोमिनेंट कहीं भी प्रेजेंट है तो वही खुद को एक्सप्रेस करेगा लेकिन रिसेसिव जो है ना वो डोमिनेंट की प्रेजेंस में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो क्या होता है इट कैन ओनली एक्सप्रेस इन एबसेंस ऑफ डोमिनेंट ठीक है तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस कि डोमिनेंट ही खुद को एक्सप्रेस कर रहा है रिसेसिव को वो सप्रेस कर रहा है ओके तो आपको पता है चाहे होमोजाइगस कंडीशन है चाहे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट दोनों तरह का हो सकता है इट में भी होमोजाइगस इट में भी हेट्रोजाइगस लेकिन रिसेसिव हमेशा क्या होगा ऑलवेज होमोजाइगस क्योंकि डोमिनेंस तो इसको चाहिए ही नहीं जरा भी नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखिए सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन अलग होना तो आपने देखा अलग क्या चीज हो रही थी जितने अभी तक हमने क्रॉसेस पढ़े हैं ध्यान से देखेंगे तो क्या सेपरेट हो रहा था सपोज कीजिए विद एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूं आप टॉल एंड डुआफ प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो ये टॉल है ये ड्वाफ है ठीक है अब इनके बीच में एक प्रोसेस होता है डेट इज गैमिटोजेनेसिस ठीक है इसको हम बोलते हैं कि गैमिट्स की फॉर्मेशन हुई ठीक है ना ये तो प्रॉपर पेरेंट्स हैं अब पेरेंट्स से क्या बन रहा है अब ये गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है अब जो गैमेट्स बने वो कैसे हो रहे हैं सेपरेटेड है ठीक है ना ये पेरेंट था टीटी ये था अब ये आपस में क्या हो गया देखिए सेपरेट हो गए ना ये टी टीटी -टी एक ही उसके अंदर लेकिन ये सेपरेट हो गए मींस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि गैमेट्स जो आपस में सेपरेट करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट क्या होता है ये बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस में इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे जो डाई हाइब्रिड क्रॉस की जब हम एफ वन जनरेशन आप याद कीजिए हमने प्रीवियस एग्जाम्पल स्टडी किए थे थोड़ा सा देखिए उनको तो आपने नोट किया होगा एफ वन जनरेशन के जो गैमेट्स हैं वो इस तरह से बनते हैं एफ वन जनरेशन कुछ इस तरह की होती है

ठीक है ऐसा नहीं है कि ये वाला इस पर डिपेंड करेगा या ये इस पर करेगा इट्स नथिंग लाइक दैट दे टोटली इंडिपेंडेंट है ये ठीक है तो ये थे कुछ तीन लॉज ऑफ डोमिनेंस ये बेसिक है डिटेल्स हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे ओके okay? अगर एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है तीन एप्लीकेशन हैं तीन लॉज हैं तो उनकी तीन ही एप्लीकेशन है तीन तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए सबसे पहला है इट गिव्स आइडिया अबाउट न्यू कॉम्बिनेशन इन प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड्स ठीक है हमें क्या पता चलता है एक न्यू कॉम्बिनेशन का आइडिया लगता है देखिए होता क्या है ना जब क्रॉस हो रही है तो आपने देखा कि टॉल और डोव के बीच का क्रॉस हुआ तो आपको न्यू इंडिविजुअल मिला F1 वन जनरेशन मिली ठीक है तो आपको एक आइडिया लगता है कि कितने न्यू कॉम्बिनेशन आपके पास बने आप उसकी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है ना कि कितने बने और कैसे बने किस नेचर के होमोजाइगस हैं हेट्रोजाइगस हैं तो ये तो पहली एप्लीकेशन हो गई सेकंड आप देखेंगे इट बेटर ब्रीड्स प्रोडक्शन कि जब हम क्रॉस कराते हैं देखिए एक बिल्कुल प्योर टॉल था और एक बिल्कुल डॉव था तो वो सिर्फ लंबे वाले ही उसमें फीचर्स हैं और उसमें छोटे वाले ही हैं लेकिन दोनों में अपनी अपनी खूबियां हैं ठीक है तो वैसे ही जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो हमें एक हाइब्रिड मिक्स वैरायटी मिलेगी डैट मीन्स उसमें टॉल वाले के करेक्टर भी आएंगे और डुआव वाले के भी आएंगे जब कैरेक्टर्स की मिक्सिंग होगी मीन्स आधे उससे आधे इससे तो इंडिविजुअल ज्यादा बेटर बनेगा क्योंकि उसमें अच्छी और डबल अच्छी क्वालिटीज आ रही हैं इसलिए बेटर ब्रीड्स की प्रोडक्शन हो रही है ओके नेक्स्ट इज न्यू प्लांट्स विद न्यू कॉम्बिनेशन दैट इज हाइब्रिडाइजेशन आपको नए प्लांट्स की फॉर्मेशन uh, हो रही है नए प्लांट्स मिल रहे हैं आपको टोटली नए मिल जाएंगे ठीक है आपने क्रॉस कराया था आर जैसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं तो एंड रिजल्ट में आपको बिल्कुल नई तरह के प्लांट्स भी मिल जाते हैं तो ये थी कुछ तीन एप्लीकेशंस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड आपको एप्लीकेशंस आनी चाहिए थैंक यू